हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द LS एकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिस्टम प्रोग्राम्स कि सिस्टम प्रोग्राम क्या होते हैं, इनका क्या रिक्वायरमेंट है और इनके कितने टाइप्स के सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं। तो पहले समझते हैं कि सिस्टम प्रोग्राम्स होते क्या हैं। सिस्टम प्रोग्राम क्या करते हैं, बेसिकली यूजर्स को एक कन्वीनियंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन। यूज़र को जो प्रोग्राम डेवलप करता है या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है उसमें यूज़र को हेल्प करते हैं, क्योंकि यूज़र अपने आप से सीधे सिस्टम को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। वो सारे सिस्टम इंस्ट्रक्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नेल को मिलते हैं वो किसके थ्रू मिलते हैं, कॉल्स के थ्रू मिलते हैं, फंक्शंस कॉल, जो सिस्टम की फंक्शंस कॉल्स होते हैं। अब यूजर तो अपनी तरफ से फंक्शन कॉल दे नहीं सकता, इसलिए होता क्या है कि वो सारे सिस्टम कॉल को हम कंबाइन करते हैं और उसको हम क्या कर देते हैं, उसका एक हमने नाम दे दिया कि ये सिस्टम प्रोग्राम है। ठीक है, तो सिस्टम प्रोग्राम में हम नॉर्मली क्या करते हैं, मैक्सिमम कि जितनी भी सिस्टम कॉल सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देना होता है उन सबको क्लब करते हैं और उसको यूज़ करके एक सिस्टम प्रोग्राम बना देते हैं। ठीक है, तो जब भी यूज़र को कोई भी काम कराना होता है, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करनी होती है, क्लोज़ करनी होती है, या म्यूज़िक ऑन करना होता है, म्यूज़िक ऑफ करना होता है, तो सिस्टम को जो इंस्ट्रक्शन देना है उसके लिए हमने पहले क्या बना लिया, सिस्टम प्रोग्राम बना लिया। ठीक है, यूज़र को सिर्फ क्या करना पड़ता है, सिस्टम प्रोग्राम को यूज़ करना होता है। सिस्टम प्रोग्राम बाकी सारा काम खुद हैंडल कर लेता है। तो यूज़र को क्या कर रहा है, यूज़र को कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं, यूज़र को कोई भी फंक्शन कॉल देने की ज़रूरत नहीं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने की ज़रूरत नहीं। यूज़र को सिर्फ क्या करना है, सिस्टम प्रोग्राम पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो सिस्टम प्रोग्राम है अपने आप ही सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट कर देगा और उसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि मुझे ये काम करना है। तो देखिए, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दे प्रोवाइड यूजर इंटरफेस टू सिस्टम कॉल्स। यानी यूजर सीधा इंटरेक्शन नहीं करेगा सिस्टम कॉल को, यूजर किसको यूज करेगा, सिस्टम प्रोग्राम को यूज करेगा। ठीक है, तो एक तरीके से इंटरफेस का काम कर रहे हैं जो सिस्टम प्रोग्राम है, किस किस के बीच में, यूजर और सिस्टम कॉल्स के बीच में। ठीक है, जिससे कि यूजर को कुछ भी लिखने की जरूरत ना पड़े। यूजर है, यूज़र ने एप्लीकेशन पे क्लिक किया, उसके बाद यूज़र को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सारा काम कौन हैंडल करेगा, सारा काम हैंडल करेगा आपका सिस्टम प्रोग्राम। ठीक है, सिस्टम प्रोग्राम के अंदर ही सारा कुछ इनबिल्ट रहता है सिस्टम कॉल्स का। सिस्टम प्रोग्राम सीधे सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट कर देगा, सिस्टम कॉल OS को इंस्ट्रक्ट करेगा कि ये काम करना है और OS उसके बेसिस पर हार्डवेयर में जो भी फाइल ओपन करनी है, क्लोज करनी है, डिलीट करनी है, एडिट करनी है, वो सारे काम करेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो आपका सिस्टम प्रोग्राम हैंडल करते हैं। तो देखिए, एक तो हमने आपको ये बताया कि यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं सिस्टम कॉल्स के साथ, यूज़र को डायरेक्ट इंटरेक्शन ना करना पड़े, क्योंकि सिस्टम कॉल नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। ठीक है, उनसे यूज़र को हेल्प करता है कि यूज़र को उसकी डिटेल समझने की ज़रूरत ना पड़े। दे और सिस्टम प्रोग्राम्स इंटरेक्ट विद द OS। ये सिस्टम प्रोग्राम्स इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, OS के थ्रू द सिस्टम कॉल के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड समटाइम दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ सिस्टम कॉल्स। ठीक है, सिस्टम कॉल्स का कलेक्शन भी कहलाते हैं क्या, सिस्टम प्रोग्राम्स। अब देखिए क्या क्या टाइप्स होती हैं, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं सिस्टम प्रोग्राम की, यानी कि सिस्टम प्रोग्राम के थ्रू आप क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहला है फाइल मैनिपुलेशन। अगर आपको फाइल क्रिएट के लिए कोई फंक्शन लिखना है या सिस्टम कॉल लिखनी है, फाइल डिलीट के लिए लिखना है, रीनेम के लिए करना है, प्रिंट के लिए करना है, कोई फाइल मैनिपुलेट करनी है, डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, डायरेक्टरी डिलीट करनी है, ठीक है, तो यूज़र को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जितने भी इसके लिए फंक्शंस बनने हैं या सिस्टम कॉल बननी है, आपने पहले से ही उसके लिए एक प्रोग्राम बना लिया। ठीक है, और उस प्रोग्राम का क्या नाम दे दिया, सिस्टम प्रोग्राम। वो सारा कुछ ये सारे काम हैंडल करेगा। ठीक है, यूज़र को सिर्फ क्लिक करना होता है। सेकंड वन इज़ द स्टेटस इन्फॉर्मेशन। अगर यूज़र को किसी पॉइंट ऑफ टाइम पता करना है कि सिस्टम की डेट क्या है, सिस्टम की इन्फॉर्मेशन क्या है, कितने रैम है, कितनी रोम है, ठीक है, कितनी मेमोरी अवेलेबल है, कितनी हार्ड डिस्क में स्पेस अवेलेबल है, कितने नंबर ऑफ यूजर सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन सिस्टम से स्टेटस से रिलेटेड चाहिए, ऑटोमेटिकली हमने क्या किया, सबके लिए प्रोग्राम लिखकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टोर कर दिया आपने सिस्टम प्रोग्राम में। यूज़र सिर्फ क्लिक करेगा, उसके बाद सिस्टम प्रोग्राम ही आगे देखेगा उसको। तो दे आर ऑल्सो यूज टू नो द सिस्टम स्टेटस इन्फॉर्मेशन सच एज डेट,
टाइम, अवेलेबल मेमोरी स्पेस, अवेलेबल डिस्क स्पेस, यूज्ड मेमोरी स्पेस, यूज्ड डिस्क स्पेस एंड द नंबर ऑफ यूजर्स हु आर वर्किंग। द थर्ड वन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट। कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। जैसे हाई लेवल में प्रोग्राम लिखा, लो लेवल में कन्वर्ट करना है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखा, मशीन लेवल या लो लेवल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो सारे भी क्या किस कैटेगरी में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम प्रोग्राम की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि कंपाइलर हुआ, असेंबलर हुआ, इंटरप्रेटर हुआ, दे प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो देयर आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर प्रोवाइडेड टू द यूजर विद ओएस। जब भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा तो ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगे। उस समय कंपाइलर हुआ, असेंबलर हुआ, इंटरप्रेटर हुआ। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी आप यूज़ करेंगे तो ये सारे सिस्टम प्रोग्राम, चाहे कंपाइलर है, असेंबलर है या इंटरप्रेटर है, यूज़र को हेल्प करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में खुद भी क्या होता है? एक सिस्टम प्रोग्राम होता है। ठीक है, अगला है प्रोग्राम लोडिंग और एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम लोडिंग और एग्जीक्यूशन के लिए भी कुछ हम सिस्टम प्रोग्राम यूज़ करते हैं। कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। ओएस मे प्रोवाइड लोडर, जिसका काम क्या है? लोडिंग करना प्रोग्राम की। लिंकर, जिसका काम क्या है? जितने भी मॉड्यूल्स हैं प्रोग्राम में उनको लिंक करना। एडिटर, जहाँ पर आप टाइप वगैरह करेंगे। ठीक है, डिबगर, जो डिबगिंग का काम करता है। देयर ऑल्सो द सिस्टम प्रोग्राम विच आर यूज फॉर द प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो फाइल क्रिएशन डिलीशन का काम हो, सिस्टम स्टेटस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करना हो, ये प्रोग्राम के लोडिंग और एग्जीक्यूशन में हेल्प करनी हो, हर पर्पस के लिए आपने क्या किया? सिस्टम प्रोग्राम बना दिए। सिस्टम प्रोग्राम बनाने से क्या हुआ? यूज़र का हेडेक खत्म हो गया। सिस्टम प्रोग्राम में अपने आप ही सिस्टम कॉल के थ्रू सिस्टम से इंटरेक्ट कर लेगा। ठीक है, लास्ट वन इज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कम्युनिकेट करना है, विद इन ए सिस्टम एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करना है, एक यूजर को दूसरे यूजर से कम्युनिकेट करना है, उससे रिलेटेड सारे जो भी कम्युनिकेशन है दे आर ऑल्सो हैंडल्ड यूजिंग द सिस्टम प्रोग्राम्स। तो सिस्टम प्रोग्राम जो होते हैं, दीज प्रोग्राम्स प्रोवाइड द मैकेनिज्म टू क्रिएट द वर्चुअल कनेक्शन एमंग द प्रोसेसेस। सिस्टम में जितने भी प्रोसेस यूज किए जा रहे हैं या आउटसाइड द सिस्टम जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके बीच में जो मैसेज कम्युनिकेशन होता है उसके लिए वर्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। इसके अलावा बिटवीन द प्रोसेस यूजर और कंप्यूटर्स के बीच में क्रिएट करते हैं। दे ऑल्सो अलाउ यूजर टू सेंड द ईमेल, रिमोट लॉग इन एंड फाइल ट्रांसफर। इसके अलावा अगर यूजर ईमेल सेंड करना चाहता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में रिमोट लॉग इन करना चाहता है या फाइल ट्रांसफर करना चाहता है, उसके लिए भी आपको सिस्टम प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं। सिस्टम प्रोग्राम प्रोवाइड करने से या सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने से यूज़र को कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, सारा का सारा काम वो सिस्टम प्रोग्राम हैंडल कर लेते हैं। तो जो हमारा ओवरऑल पर्पज़ वही निकल के आ रहा है कि ये क्या करते हैं, यूज़र को एक कन्वीनियंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द सिस्टम प्रोग्राम। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द सिस्टम प्रोग्राम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।